समाज के 19वें सामूहिक विवाह समारोह में आज कानपुर के 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। 35 जोड़ों को गृहस्थी का पूरा सामान और ज्वेलरी भी दी गई। इस मौके पर सिक्किम के राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद और कार्यक्रम के आयोजक और केपी ग्रुप के आनंद चौरसिया ने दाम्पत्य जीवन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले आनंद चौरसिया का कहना है कि ये उनका 19वां विवाह आयोजन है, तब से लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बता दें कल सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आनंद चौरसिया ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मौजूद रहे सिक्किम के राज्यपाल भारतीय चौरसिया समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां करीब 35 जोड़े विवाह के बंधन सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल भी मौजूद रहे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 35 जोड़े परिणय सूत्र में बने। अखिल भारतीय चौरसिया समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए, मैं तो अपने जो हमारा इस आयोजन का जो परोक्ष रूप से हमारा सोचना है कि है, पहला तो एक शिक्षा का है कि हम कम से कम हमारे यहाँ के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो कम से कम इन लोगों को जो यहाँ पे आकर के आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, उनको शिक्षा की तरफ एक गाइडलाइन मिले, पहला एक तो उद्देश्य है। दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि जो दहेज प्रथा और परेशानी होती है शादी करने के अंदर, एक उनको मैंने ये मंच दिया है कि यहाँ पर आ जाओ, जितने भी जोड़े आ जाएंगे यहाँ पर शादी हो जाएंगी। तो एक समाज का फिजूल खर्ची भी रुक गया, जो लोग उस टाइप के मतलब नहीं खर्चा कर सकते थे वो कम से कम इस मंच का इस्तेमाल करें। सामूहिक विवाह कानपुर चौरसिया समाज, इसमें कई लोग खास करके मुख्य रूप से श्री कमलाकांत चौरसिया जी, श्री आनंद चौरसिया जी और उनके परिवार के ये लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बाकी सबों का सहयोग रहा है। तो वर्तमान समय में जो समाज में अनेकों कुरीतियां आ गई हैं, उस कुरीतियों से संघर्ष करना और उन कुरीतियों को दूर करना, इसमें सामूहिक विवाह का बड़ा भारी महत्व है और इसे लोग काफी प्रेम भाव से लोग हर प्रकार का वर वधू दोनों के लिए कुछ मैंने सामान देते हैं, इकट्ठा करते हैं, लगे रहते हैं।